तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे द्वारा बनाए गए ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल, जो कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हम स्टडी संबंधित यहाँ पर वीडियोज अपलोड करते रहते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर आपने जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया अभी जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीजी चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूजी पीजी एडमिशन 2021 के डॉक्यूमेंट सबमिट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एडमिशन चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के यूजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी या पीजी हो गया हमारा एमई एमकॉम एमएससी एलएलबी एलएलएम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन चल रहे हैं। इसका फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है, सेकंड राउंड भी समाप्त हो चुका है। सीएलसी राउंड हमारा 30 सितंबर को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। 30 सितंबर को हमारा सीएलसी राउंड समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों ये राउंड समाप्त होने के बाद में दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब हम अपनी फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या सीएलसी राउंड में फीस सबमिट करते हैं, आपने ₹10 फीस सबमिट की होगी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत, या आपने ₹1000 फीस सबमिट की होगी बिना कोई योजना का लाभ लिए, तो फीस सबमिट करने के बाद में हमको क्या करना होता है, हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाकर हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट सबमिट कब से किए जाएंगे, इस बारे में काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे और इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरा अब तक का स्टेटस देखेंगे, पूरा एक्चुअल डाटा देखेंगे, किस तरह से हमारे यहाँ पर कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, कब तक सबमिट होंगे, किस तारीख से जमा होंगे, और दोस्तों जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ में, क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो एक एक करके हम पूरे फैक्ट समझने वाले हैं, आपके जो भी कमेंट किए जाते हैं उस कमेंट के बेसिक पर मैं आपको ये वीडियो बनाकर तैयार कर रहा हूँ और मैं आपको पूरा एक्चुअल डाटा यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है सभी के साथ, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था फॉलो कर लेना है, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपने दोस्तों फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड या सीएलसी राउंड में एडमिशन ले लिया है 30 सितंबर तक, तो दोस्तों इसके बाद में हमको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया उस कॉलेज में। तो देखिए दोस्तों, या तो आप कॉलेज जा करके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, या दोस्तों फिर आप क्या या फिर आपके पास में मैसेज आएगा। अब ये मैसेज कहाँ से आएगा, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैसेज कैसे आएगा, कौन मैसेज करेगा, मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देता हूँ। देखिए कॉलेज से मैसेज आपके पर्सनल मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा, ठीक है। पर्सनल मोबाइल नंबर पर जैसे इनबॉक्स में आता है उस तरह से मैसेज नहीं आता है। और ये मैसेज कहाँ पर आएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। कहाँ पर आएगा दोस्तों, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, और ये मैसेज कहीं पर भी नहीं आएगा। आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो मोबाइल नंबर यहाँ पर अपलोड किया था वहाँ पर, तो उस मोबाइल नंबर को आपके कॉलेज में सेंड कर दिया गया है, और वहाँ के द्वारा जो आपका कॉलेज है उस कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, बीए का अलग, बीएससी का अलग, बीकॉम का अलग, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया गया होगा। अगर अभी तक ऐड नहीं किया गया है तो आप अपनी कॉलेज से ऐड कर हो सकते हैं, या फिर आपको आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया गया होगा इसलिए ऐड नहीं किया गया है। अब दोस्तों आपके कॉलेज से एक मैसेज आ जाएगा और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि किस तारीख से हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। वहाँ पर एक तारीख बता दी जाएगी कि इस तारीख से कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर है। तो उस मैसेज के द्वारा आप समझ सकते हैं क्या 1 अक्टूबर से होंगे या 5 अक्टूबर से होंगे। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर हमारे कॉलेज खुल चुके हैं 15 सितंबर से, ठीक है। तो 15 सितंबर से हमारे कॉलेज खुल गए, तो कॉलेज खुलने के बाद में भी स्टूडेंट ने यहाँ पर सबमिट करना डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दिया, काफ़ी कॉलेज में तो हो चुके हैं स्टार्ट, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कॉलेज से मैसेज आ जाएगा आपके पास में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ये मैसेज का फंडा समाप्त हो गया, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कब से होने हैं। तो आप अपने व्हाट्सएप का जो आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप कांटेक्ट में रहिए, ओके। इसके बाद में अगर हम बात करें सीएलसी राउंड समाप्त होने के बाद में, आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कब से होंगे डॉक्यूमेंट सबमिट होना। तो मैंने एक कॉलेज से यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से वहाँ पर बात की, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि दोस्तों फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया है, सेकेंड राउंड समाप्त हो गया है, सीएलसी राउंड चल रहा है। सीएलसी राउंड 30 सितंबर को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। अब 30 सितंबर को यहाँ पर जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट, सेकेंड राउंड के स्टूडेंट, सीएलसी राउंड के स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सीएलसी राउंड समाप्त होने के बाद में आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों सीएलसी राउंड 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा और आपको पता होगा, और आपको एक बात भी पता होगी कि 1 अक्टूबर से हमारे फर्स्ट ईयर के
कॉलेज ओपन हो जाएंगे, यानी कि 1 अक्टूबर से हमारे कॉलेज में स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जैसे ही सीएलसी राउंड समाप्त होता है ना, वहाँ पर 1 अक्टूबर से आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 1 अक्टूबर से नहीं होता है तो लगभग 5 अक्टूबर से तो हो जाएंगे, क्योंकि अभी 1 अक्टूबर होगा वहाँ पर कॉलेज खोलेंगे तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगे। तो दोस्तों 1 अक्टूबर से आप अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पर आपकी स्टडीज भी स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पर आप अपने कॉलेज डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इसका एक वीडियो बना दिया है, सेपरेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, या तो दोस्तों आपके पास में कॉलेज से मैसेज आ गया होगा, या फिर दोस्तों आपको 1 अक्टूबर के बाद में यानी कि सीएलसी राउंड समाप्त होने के बाद में आप अपने कॉलेज में जाकर, आपके पास में अगर मैसेज नहीं आया है तो फिर सीएलसी राउंड समाप्त होने के बाद अपने कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है आपको खुद ही, आपको किसी मैसेज का इंतजार नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों किसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट होना हो चुके हैं शुरू। जी हां दोस्तों, मैंने आपको बताया था दतिया के बहुत सारे कॉलेज हैं, ग्वालियर के भी बहुत सारे कॉलेज हैं, मुरैना के भी यहां पर बहुत सारे कॉलेज हैं, उन कॉलेज में यहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, काफी कॉलेज में यहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट कर दिए गए हैं, पहले भी मैंने आपको बताया अभी तक। ठीक है, तो काफ़ी कॉलेज में 13 सितंबर से 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे 15 सितंबर से कॉलेज स्टार्ट खुल गए थे तो तब से डॉक्यूमेंट सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी यहां पर काफ़ी कॉलेज में नहीं हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएलसी राउंड समाप्त होने के बाद में जैसे सभी स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट राउंड के, सेकेंड राउंड के, सीएलसी राउंड के, तो इकट्ठे डॉक्यूमेंट सबमिट की जाएंगे 1 अक्टूबर के बाद में। ठीक है, तो 1 अक्टूबर के बाद में आप जाइए, अगर आपके कॉलेज में शुरू हो चुके हैं तो आप अपने कॉलेज पर फोन करके पूछ लीजिए, आप अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। अगर आपके कॉलेज में अभी स्टार्ट नहीं हुए तो फिर आप 1 अक्टूबर के बाद में आप बिना किसी की परमिशन लिए डायरेक्ट कॉलेज में जाइए और डायरेक्टली आप अपने कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट सबमिट ना करने पर क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे सवाल क्वेश्चन से कि डॉक्यूमेंट सबमिट अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो यहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा एडमिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए एडमिशन कंप्लीट अभी यहाँ पर दो तरह से होता है, एक तो हमने यहाँ पर फीस सबमिट कर दी, आपने 10 रुपये या 1000 रुपये फीस सबमिट की होगी, यहाँ पर हमारा 50% एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बाकी का जो 50% एडमिशन कंप्लीट होगा ना, वो होगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। अगर जब तक हम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तब तक हमारा एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने की यहां पर लास्ट डेट कितनी रखी जाएगी, तो इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं रहती है, लेकिन मैं यहां पर फिर भी बता देना चाहता हूं 30 अक्टूबर तक। जी हां दोस्तों, 30 अक्टूबर तक हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, लेकिन काफ़ी कॉलेज क्या करते हैं ना, यहाँ पर भी स्टूडेंट आराम आराम से आते हैं, इसलिए एक फाइनल लास्ट डेट बता देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों की यहाँ पर लास्ट डेट 30 अक्टूबर ही रहेगी, फिर 30 अक्टूबर के बाद अगर बढ़ाई जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको 30 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, अन्यथा यहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपके पास में अभी कॉलेज से TC नहीं मिली है, आपके स्कूल से TC या माइग्रेशन नहीं मिला है, तो TC या माइग्रेशन जल्दी से ले लीजिए। आपके स्कूल वाले 12th क्लास आपने जो भी पास आउट किया उस कॉलेज या उस स्कूल से आपको TC आपकी माइग्रेशन मिल जाएगी, तो जल्दी से वहां पर जाकर ले लीजिए। ओके, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इसके बारे में तो सेपरेट वीडियो बना ही दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना है। तो जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM द्वारा पूछ सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बारे में यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया, मैं यहाँ पर मैं लास्ट एक बात बता देना चाहता हूँ, आप कुछ भी मत करिए, आप 1 अक्टूबर का इंतजार करिए, 1 अक्टूबर के बाद डायरेक्टली कॉलेज में जाकर आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं 1 अक्टूबर के बाद में। बिना आँख बंद किए जाइए, आँख बंद करके नाक बंद करके जैसे जाना है वैसे जाइए, बस 1 अक्टूबर के बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करने चले जाना। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी समझ में आ गई, वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।